वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो ये जो वीडियो है लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन है, मतलब पार्ट टू है डिफरेंट टेस्टो डिटेक्शन टाइम या फिर अलग अलग कंपाउंड्स के क्या क्या डिटेक्शन टाइम होते हैं। क्योंकि वो जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें शायद मैंने तीन चार कंपाउंड का ही बताया था, टेस्टी सी सस्ता का बताया था, और तो उसमें मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप सारे कंपाउंड्स का बता दीजिए, क्योंकि पता नहीं होता कौन सा एथलीट कब कौन सा कंपाउंड यूज़ करता है और कहाँ वो बेचारा फंस जाए। तो वैसे करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आई नेवर रेकमेंड, बट येस देर आर फ्यू स्पोर्ट्स जहाँ पर कि लोगों को एक्स थोड़ा एनहांस होने की ज़रूरत पड़ती है, कि एक्स फैक्टर की ज़रूरत होती है, सो वो चले जाते हैं गलती से। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड कितने देर तक हमारे खून में रहता है और कब तक उसका जो है डिटेक्शन हो सकता है और उनकी हाफ लाइफ क्या है। तो ये उस वीडियो का एक्सटेंशन है। इसमें ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन ओरल और इंजेक्टेबल तकरीबन सारे जो है मैंने कवर कर दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंपाउंड है अनावर, 3 हफ्तों का जो इसका डिटेक्शन टाइम है, डीटी यानी डिटेक्शन टाइम, एचएल यानी हाफ लाइफ। ओके, अनावर 3 हफ्ते, 9 से 12 घंटे की इसकी हाफ लाइफ होती है। अगेन डिपेंड ऑन द डोसेज, टोटली डिपेंड्स ऑन डोसेज, मैंने साथ में लिख दिया है यहाँ पे। एनाड्रोल एंड्रोलिक 2 महीने का डिटेक्शन टाइम है इसका, गेनिंग में यूज होता है, 16 आवर्स की जो है इसकी हाफ लाइफ होती है। डी बॉल 5 हफ्तों का इसका डिटेक्शन टाइम है और 5 से 6 घंटे की इसकी हाफ लाइफ होती है। टी बॉल टोरिना बॉल, जबरदस्त कंपाउंड, फेवरेट एथलीट्स का, एमएमए फाइटर्स का, स्विमर्स का, क्योंकि जिसमें आपको बॉडी जहाँ पर वाटर होल्ड ना करे, ज़्यादा पावर दे और लीन मसल दे, वहाँ पर टी बॉल यूज़ होता है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर जाके तो आपको बहुत सारे ऐसे एथलीट्स मिल जाएंगे जिन्होंने टी बॉल को अब्यूज़ करा और बाद में फिर वो पकड़े गए। पकड़े जाने का कारण है 11 महीने आपके खून में रहता है, डिटेक्ट हो सकता है, और 16 घंटे की इसकी हाफ लाइफ होती है। और कहने को ये डी बॉल का छोटा भाई है, टी बॉल, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है और कंपेयर भी किया हुआ है। हेलोटेस्टिन, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अगेन इसको पावर स्पोर्ट में यूज़ किया जाता है, 2 महीने का डिटेक्शन टाइम है और 9 से 10 घंटे की जो है इसकी हाफ लाइफ होती है। स्टेना, स्टेनाजोल या फिर विंस्ट्रॉल, विंस्ट्रॉल की ओरल फॉर्म स्टेना, विंस्ट्रॉल जो इंजेक्टेबल होता है यहाँ पर हम बात करेंगे, ये है स्टेना। इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ओरल के अंदर, 5 स्टेना है जो है इसकी अप टू 10 डेज तक डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या डोसेज के ऊपर हो स्टेना की, और 24 घंटे की इसकी जो है हाफ लाइफ है, अगेन क्या डोसेज के ऊपर हुआ। प्रोविरॉन 5 महीने 12 से 13 घंटे की हाफ लाइफ है। सुपरड्रॉल अगेन लीन मसल पावर में ज़बरदस्त है, कोई सानी नहीं है इसका, डोसेज इसकी 10 से 20 mg मैक्स रहती है और छोटी साइकिल इसकी होनी चाहिए, नहीं तो लिवर टॉक्सिक बहुत ज़्यादा कर देता है ये। 2 महीने और 8 से 12 घंटे की जो है इसकी हाफ लाइफ सुपरड्रॉल की जो है हाफ लाइफ रहती है। विंस्ट्रॉल 2 महीने और 12 से 24 घंटे की हाफ लाइफ, 2 महीने तक आपकी बॉडी में डिटेक्ट हो सकता है विंस्ट्रॉल, जो कि टी प्रॉप हो गया, मैस्ट्रॉन के साथ ये यूज़ किया जाता है, कटिंग फेस के अंदर यूज़ किया जाता है, काफ़ी पावर देता है, वाटर आउट काफ़ी करता है और जॉइंट्स में भी कई बार लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए साथ में कैल्शियम लेते रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेका ठीक है, 18 से 24 महीने सबसे लंबा समा यही लेता है भाई डेका, 12 से 24 महीने तक आपके बॉडी के अंदर ये डिटेक्ट हो सकता है, बट लोग इसको फिर भी यूज़ करते हैं। बॉडी बिल्डिंग में होता है, अदर स्पोर्ट्स में जहाँ पर आपको मसल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है, काफ़ी आपको मसल मास देता है और जो है इसकी हाफ लाइफ होती है 15 दिन की होती है। मैस्ट्रॉन एसीटेट 2 हफ्ते 2.5 दिन की जो है इसका आपका हाफ लाइफ है, अगेन ये विंस्ट्रॉल हो गया, मैस्ट्रॉन एसीटेट हो गया, सब कॉम्बिनेशन में चलते हैं। मैस्ट्रॉन एनएनथेट 1 of the most expensive salts अवेलेबल अंडर द सन, बहुत महंगा सॉल्ट होता है, हर ब्रांड नहीं बनाता, बहुत महंगा सॉल्ट है ठीक है मैस्ट्रॉन एनएनथेट। अब ये गेनिंग का सॉल्ट है एनएनथेट, जैसे आपने मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये सॉल्ट से जैसे कितने सॉल्ट हैं, टेस्ट पी हो गया, ई हो गया, सी, डेका, बोल्डी, इसमें कई बार आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका गायनो आ जाए, लेकिन मैस्ट्रॉन एनएनथेट एक ऐसा कंपाउंड है जिससे कि आपको गायनो नहीं आता है, DHT डेरिवेटिव है, ऑल्टर्ड है ये, तो आप क्या डोसेज के ऊपर हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इससे गायनो बिल्कुल भी नहीं आता, बट ये काफ़ी महंगा सॉल्ट होता है, जैसे टी बॉल के साथ भी ऐसा ही है, डायनाबॉल बहुत सस्ता आता है लेकिन एट द सेम टाइम टी बॉल बहुत महंगा आता है, उसको भी ऑल्टर किया गया है जिसमें बॉडी में वाटर होल्ड नहीं होता और गायनो की प्रॉब्लम नहीं होती। मैस्ट्रॉन एनएनथेट 3 महीने और 10 से 12 दिन की इसकी जो है हाफ लाइफ होती है। ट्रेन एसीटेट
कटिंग का सॉल्ट है 4 महीने 24 से 72 घंटे की इसकी जो हाफ लाइफ है। ट्रेनी अगेन गेनिंग सॉल्ट 4 से 5 महीने और 7 से 10 दिन की इसकी हाफ लाइफ होती है। ट्राई ट्रेन 3 ट्रेन का मिश्रण मिक्स 5 महीने और 12 से 15 दिन का इसका जो है हाफ लाइफ है। बोल्डी 5 महीने 12 से 15 दिन 10 से 12 दिन सॉरी बोल्डी नॉन 5 महीने और 10 से 15 दिन की जो है इसकी हाफ लाइफ है। प्राइमो 5 से 6 महीने अगेन प्राइमो बहुत महंगा सॉल्ट है, ये भी DHT डेरिवेटिव है। प्राइमो 5 से 6 महीने और 10 से 12 दिन की जो है इसकी हाफ लाइफ रहती है। NPP नेंड्रोलोन फिनाइल प्रोप्यूनेट, लोग डेका यूज़ करते हैं बट ये बहुत पहले लोग यूज़ करते थे, अभी भी है, शॉर्ट एस्टर है एज़ कम्पेयर टू डेका, लेकिन काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देता है, बेटर देन डेका बट उतना फेमस नहीं है। अप टू 5 मंथ्स इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि NPP 5 महीने तक डिटेक्ट हो सकता है, नॉट श्योर। हाफ लाइफ 4 से 5 दिन की होती है तो इसको आपको हफ्ते में 2-1 बार इंजेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आपको फिर से ट्राइटन में थोड़ा सा है, ट्राइटन मैंने आपको बताया 5 महीने 7 महीने सॉरी ट्राइटन जो है आपका 7 महीने और 3 दिन की जो है इसकी हाफ लाइफ होती है, मैं थोड़ा वहाँ पर कंफ्यूज था। बोल्डी आपका जो है यहाँ पर 5 महीने 10-12 से 15 दिन, प्राइमो 5 से 6 महीने 10 से 12 दिन, एंड NPP अप टू 5 मंथ्स नॉट श्योर, और 4 से 5 दिन का जो है इसका हाफ लाइफ होती है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कंपाउंड्स ओरल से लेकर इंजेक्टेबल मैंने सारे कवर कर दिए, और पिछले वीडियो में भी मैंने 4 या 5 कंपाउंड मैंने आपको उसको बताया था डिटेक्शन टाइम उनकी हाफ लाइफ के बारे में। तो कोई भी सॉल्ट लीजिए आप बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली अगर कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है और आप पकड़े जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत में आप आ जाते हैं, कई बार बैन लग जाते हैं कुछ महीने के, कई उनको साल के लग जाते हैं तो करियर भी ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप कोई कंपाउंड चलाएँ या ना चलाएँ ध्यान में ज़रूर रखें कि क्या कंपाउंड है, क्या उसकी हाफ लाइफ है और कब तक वो डिटेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। बाकी किसी को कोई भी साइकिल डिज़ाइन करानी है, कुछ भी ओरिजिनल सामान चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स आर देयर। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे पॉजिटिव।